क्या कहेंगे जिस तरह से एक पॉलिसी जो लाएगी ये मीडिया के लिए, क्या कहेंगे? देखिए डैंग साहब, पॉलिसी तो अभी मैंने खुद पढ़ी नहीं है, मैंने उसका मुताला तो किया नहीं है, लेकिन जो अखबारात में जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि शायद कोई भी खबर छापने से पहले या कुछ जो भी है पहले आपको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या पुलिस या पहले आपको गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी है, तो मुझे ये लगता है कि बेटर ये है कि अखबारात को और मीडिया को बंद ही कर देना चाहिए। सरकार को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू ही मुझे लगता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करना चाहिए। अगर इस कदर की मैं ये समझता हूँ बेएतबारी जिसे कहते हैं वो है, तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि सरकार मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, इसकी आवाज़ को रोकना चाहती है, तो बेटर यह है कि सरकार खुद ही ये जिम्मेवारी संभाल ले, इसे कहते हैं अपने सरकारी मीडिया के ऊपर इसे कहते हैं। और ये हम तो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फंडामेंटल राइट है, और प्रेस का तो अपना एक रोल है जिसे कहते हैं, ये तो सरकार को आईना दिखाती है प्रेस जो है वो। दूसरी बात है कि आज जो मीडिया है आपको पता ही है कितना सरकार को आईना दिखा रही है, वो भी आपके सामने ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो ये कर्व्स जो लगा रही हैं, मुझे लगता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम है। ये प्रेस जो है हिंदुस्तान की, मुझे लगता है कि इसको सामने आना चाहिए और अपना जो जिसे कहते हैं जो स्टांस है वो क्लियर करना चाहिए। हम इसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस की बात करते हैं, तो अगर आज प्रेस के ऊपर इतने सख्त इकदाम जिसे कहते हैं लगाए जा रहे हैं, तो कल को हो सकता है कि सरकार को कोर्टों के फैसले भी जो पसंद ना आए से कहते हैं, तो इसका मतलब कल को पहले सरकार से हमें पूछना पड़ेगा कि ये मुकदमा दायर हो सकता है सरकार के खिलाफ या नहीं, क्योंकि लिटिगेशन तो है ही सरकार के खिलाफ है। लोगों को जो रोष है, लोगों को जो ग्रीवेंसीज हैं, वो तो सरकार के खिलाफ ही हैं, तो सरकार के खिलाफ अल्टीमेटली उसको हाईलाइट करने का एक माध्यम क्या है, वो माध्यम तो मीडिया है। तो जब पीपल आर पिटेड अगेंस्ट द स्टेट, पीपल आर पिटेड फॉर द ग्रीवेंसीज अगेंस्ट द फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट, तो क्या पहले उन्हीं फंक्शनरीज के पास जाना पड़ेगा उनसे NOC लेने के लिए कि साहब आपके खिलाफ ये खबर छापी जाए या नहीं छापी जाए? तो मुझे लगता है इससे तो सेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाएगा जिसे कहते हैं। फिर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कहाँ रही? जिस शख्स के खिलाफ आपको शिकायत है वो शख्स पहले आपको जिसे कहते हैं कि NOC देगा, वो पहले आपको उसकी वजाहत करेगा। देखिए मैं रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की अगर हम बात करें, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म यही है कि अगर आप कोई खबर छापते हैं तो आपकी ये अखलाकी और मॉरल एक जिम्मेवारी बनती है कि आप उस शख्स से उसका जो स्टैंड है वो असर्टेन करें। नो डाउट आजकल फेक न्यूज़ का भी दौर है, नो डाउट आजकल डिसइंफॉर्मेशन का भी दौर है, लेकिन उसको डील करने के लिए तो सरकार के पास तो कानून तो है ही है। आज आप देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसे फिर उसके बाद जिसे कहते हैं पास्को कानून है, अगर कोई गलत रिपोर्टिंग करता है या किसी विक्टिम का नाम छापता है तो क्या उसके लिए जो कानून है वो साइलेंट है? बिल्कुल साइलेंट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत जो है, इंडिया इज़ ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड से कहते हैं, और अगर डेमोक्रेसी में भी अगर आपको से कहते हैं सरकार से पूछ के अगर आपको जर्नलिज़म करना है, फिर मुझे लगता है कि बेटर यही है कि हमें जर्नलिज़म के जो इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो कॉलेजेस हैं, मुझे लगता है उसको बंद कर देना चाहिए। और सरकार को अगर इतनी परवाह है फेक न्यूज़ की या डिसइंफॉर्मेशन की या गलत खबरों की, तो उसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि कानून है, तो अगर इतनी ज़्यादा परेशानी है, हालांकि अभी तो परेशानी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मीडिया वैसे ही जिसे कहते हैं वो सरकार के साथ ही चल रहा है, सरकार की पॉलिसीज़ को हाईलाइट कर रहा है इसे कहते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर कोई परेशानी है तो बेटर यही है कि ये जो प्राइवेट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया या पोर्टल्स हो गए, इसको बंद कर देना चाहिए और सिर्फ सरकार की ही जिसे कहते हैं जो बात है वो बाहर निकलनी चाहिए। अपोजिशन और आवाम जो है जिसे कहते हैं उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है।